गाइस वेलकम टू माय वीडियो, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज ही हम पिकअप चला रहे हैं, आज हमें पिकअप लेके लोडिंग करने जा रहे हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, छोटा सा है बस, कहीं ज़्यादा दूर नहीं, पास में जा रहे हैं। तो अभी निकल चुके हैं हम लोग घर से और अभी छोटी पुलिया के यहाँ पर पहुँच गए। बस फाटक खुली हो तो अच्छा है, फाटक होके जाना पड़ता है क्योंकि एक और पुलिया है उधर, उसमें पानी भरा रहता है, इस वजह से इधर आना पड़ा हमारे को। देखते हैं फाटक तो, हाँ खुली है फाटक तो, चलो अच्छी बात है, नहीं तो आधा एक घंटा यहीं ख़राब हो जाता हमारा। इतनी लोड करने जा रहे और आज हम बहुत मस्त लग रहा है पिकअप चला कर। और ये जो गाड़ी है 1.70 है पावर स्टेयरिंग, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं। देखो इधर खोद रखा है, इधर काम वाम चल रहा है, इधर कब से बंद पड़ा है इधर। और अभी हम लोग, ये सामने फाटक है और एक और पिकअप वाले भाई मिले थे हमारे को अभी और निकल गए सीधे उधर। हम बढ़ रहे अपने लोडिंग पॉइंट की तरफ। ये फाटक है और इस तरफ गाइस रेलवे स्टेशन है, देख सकते हैं आप। ये नीमच का रेलवे स्टेशन है, एकदम साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। गाइस अभी वहाँ पे हम, वहाँ से हम निकल चुके फाटक से, थोड़ा जाम लग गया था इस वजह से। इधर ये मंडी है, यहाँ भी बहुत जाम लगता है। ये नीमच की, नीमच मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है। अभी मंडी जो है वो हाईवे की तरफ नहीं बन चुकी, तो वहीं शिफ्ट हो रही है। आधा माल उधर जा चला गया, आधा इधर ही अभी, जो थोड़े टाइम में चला जाएगा ये भी। एक गेट पीछे था मंडी का, ये मेन गेट है। ये जो गेट है ये मेन गेट है मंडी का। और अभी हम निकल चुके हैं सीधा, हमें मंडी से गाड़ी नहीं बननी है, हमें वेयरहाउस जाना है, मतलब गोडाउन पर जाना है, वहाँ से गाड़ी लोड होगी अपनी। अभी हम लोग इधर की साइड जो रास्ता जा रहा है इधर निकलेंगे। इधर जो है वो मेन मार्केट है पूरा, और हम निकलेंगे बाहर बाहर के रास्ते से। ये जो पिकअप आ रही है ना, इधर ही अपनों को चलना है। यहाँ से बहुत सारी गाड़ी आती गाइस बाहर से, यहाँ से लोड होके जाती नरी गाड़ी आती है। राजस्थान है, हरियाणा, बहुत जगह से पिकअप है, आयसर आती है, बहुत सी गाड़ियाँ माल लेके आती है, बहुत सी माल लेने आती है। बने रहिए आप वीडियो में, देखते हैं माल रेडी है या नहीं है, या हमें वेट करना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम ये पुलिया के यहाँ आ गए, ये मंदिर है और एक रास्ता ये जो है इधर से आ रहा है, इस आगे पुलिया है, उधर पानी भरा रहता है। तो गाइस अभी थोड़ा टाइम पहले ये जो नाला दिख रहा है ना, ये आगे तक जा रहा है। इसी नाले में एक बच्चा गिर गया था, तो उसकी डेड हो गई थी। वो बच्चे की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है, अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। माँ बाप का बुरा हाल है पूरा, बच्चा पूरी, जब मौसम था अपना मानसून का तो फूल जा रही थी, तो उसके अंदर कुछ गेंद वगैरह आ गई होगी, तो उसको पकड़ने के लिए झुका था तो वो गिर गया। उसके बाद नहीं मिला वो, फिर गया आगे, पता नहीं कहाँ गया, पर नहीं मिला वो। गाइस यहाँ पे धचके बहुत है, धचकों की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, जगह जगह पे बिरेकर धचके सब यहाँ पे। और थोड़ी नॉइस आए तो एडजस्ट कर लेना गाइस, मिलते हैं आपसे आगे। ये देखो गाइस यही था वो नाला, वहाँ इतना छोटा दिख रहा था, पर यहाँ देखो बड़ा सारा नाला है। इसी नाले में वो बच्चा गिरा था, हम शॉर्टकट मार के जा रहे हैं। हम अगर हम मेन मार्केट होके जाते ना गाइस तो हमें बहुत लंबा पड़ता है, इस मारे हम शॉर्टकट मार के जा रहे हैं। ये पिकअप जा रही है,
पता नहीं कुछ लोड कर रखा है इसने, MP44 यहाँ की नीमच की गाड़ी है, कुछ मशीन वशीन का कुछ है शायद, पता नहीं लोड करके लोकल है या बाहर का है, पता नहीं, देखते गाइस अगर गाड़ी वाला रुकता है तो इससे पूछते हम लोग कहाँ का माल ले जा रहा है, लगता नहीं है बाकी देख करके रुकेगा। चलो ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अपने माल से मतलब है, चलते हैं। तो गाइस आगे थोड़ी सकड़ी सी गली है, फिर मिलते हैं आपसे आगे, थोड़ा वो गाड़ी में से निकाल लूँगा, क्या बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं तो देख कर निकालना पड़ती है। तो गाइस आ चुके हैं हम आगे, और एक गलती हो गई हमारे से, जिसको हम पिकअप समझ रहे थे गाइस, वो पिकअप नहीं है, वो अशोक लीलैंड निकली, अशोक लीलैंड बड़ा दोस्त निकली, वो पिकअप नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से तो ऐसी लग रही थी खैर पिकअप सरी की। बहुत आवाज़ कर रही है हमारी गाड़ी गाइस, बड़ 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 बहुत। अभी हम लोगों को इस तरफ जाना है, ये सीधा रास्ता जो है फाटक के आगे एक रेलवे ट्रैक आता है उधर निकल जाएगा, महावीर नगर जो है वह हम लोग निकल जाएंगे इधर, ये जो रास्ता है आगे मेन रोड पे मिल जाएगा जाके। अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट मेन रोड पे। तो गाइस जैसा कि हम लोग आ चुके हैं मेन रोड है पूरा, चलो देख के निकलते हैं यहाँ से। हम लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल, और ये जो रास्ता है ये हम छोड़ देंगे, अब ये अंदर घुसना है अपने को, ये जो अंदर है ना यहाँ पे घुसना है, ये जा रहा है सीधा हाईवे मंदसौर हाईवे, और हम नीमच हाईवे है खैर, मंदसौर रतलाम जावरा इंदौर, और हम लोग निकल चुके हैं। एक सामने एक जो सामने आपको फैक्ट्री दिख रही होगी ना, सामने दिखाता हूँ आपको, वो देखो वहाँ नहीं जाना है, ये सामने जो फैक्ट्री है ना, ये जो गोदाम है, हम लोग को यहाँ से गाड़ी लोड करनी है। ये तो ये भाई साहब थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे, ये देखिए आप, ये गुलाबी गुलाबी कलर हुआ है इस पर, बस यहीं पर अपनों को जाना, यहाँ से थेडमा तक थोड़ा सा कच्चा रोड है, ठीक ठाक है, बाकी आते रहते अपन यहाँ पे भरने गाड़ी, गड्ढे भी हो रहे हैं इधर थोड़े बहुत, ध्यान नहीं देते चाहे तो ये बनवा सकते हैं रोड, क्योंकि इनकी दिक्कत ना है, मान लो कभी गाड़ी कितना झुकेगी इधर, गाड़ी पूरी उधर की साइड झुक चुकी है, पूरी उधर झुक गई, पूरी लेट गई गाड़ी उधर। चलो जल्दी से पहुँचते हैं और गाड़ी को लोड करके फिर मिलते हैं आपसे। चलो अभी आप कर रहे, ये अंदर खेत भी गाइस छोटा सा, ये देखो साइड में इधर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे तो ये खेत भी बना रखा है इन्होंने, दो फायदे, गोदाम का गोदाम खेत का खेत, दो ही फायदे हैं इनके पास। चलो गाइस गाड़ी लोड कर, गाड़ी लोड कर लिए, 70 कट्टे हमारी गाड़ी में आए हैं, और ये गाड़ी हमारी बाहर से देख लीजिए और अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको, ये जो माल है ये मेहती है, ये भरे हमने, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, आई होप अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आगे का कोई मतलब नहीं, वापस उसी रास्ते से हम लोग जाएंगे, इसलिए मैं आगे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वीडियो को यहीं एंड करते, मिल से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।